तिरहुत पंचायत के लक्ष्मण दास जो नॉमिनेशन कराने के लिए अभी बाबूबढ़ी में आए हुए हैं। चलिए मैं इनसे बात करता हूँ कि 5 साल तक मुखिया पद पर रहे तो अपने पंचायत में ये क्या विकास किए। जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल VOS 24 न्यूज पे। जी आपको भी धन्यवाद, और जितना भी हमारा मतदाता मालिक तिरहुता पंचायत के अंतर्गत से आया हुआ है सबको अपने तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मैं उसका आशीर्वाद चाहता हूँ। आप अपने पंचायत में कौन कौन सा विकास का काम किए? जी सबसे पहले विकास का काम हमने रोड के किए, हमने काफ़ी सारा रोड बनाए, अनेक तरह से रोड बनाए, क्योंकि हमारे पंचायत के अंदर रोड का ज़्यादातर था ही नहीं। इस 5 साल में हम जितना भी किए हो सके उतना हम रोड का ही विकास सबसे ज़्यादा किए, रोड का सबसे ज़्यादा विकास एक नंबर पे। आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपने काम किया है अपने पंचायत के अंतर्गत? जी मैंने काम किया हूँ, लेकिन सब सही है, मेरे शिक्षा में कोई तरह का दिक्कत नहीं है, पंचायत के अंदर सब स्कूल सही सलामत चल रहा है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अभी भी COVID-19 का टीका पूरे लग चुका है, कोई बाकी नहीं है लगाने के लिए, अब जो भी है डबल डोज लगाने के लिए बाकी रह गया। आगे आप अपनी पंचायत के प्रति क्या काम करना चाहते हैं, कौन सा विकास का काम लेकर लगता है कि ये हमारे पंचायत में जरूरी है, इस काम को करना अति आवश्यक है, नाम बताएंगे? जी अब हमें हमारे पंचायत के सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हो गया लाइट लगवाना बिजली के, जैसे हमारा काम अब रह गया है जैसे कहीं पर चबूतरा बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, पुलिया बनाना, घाट बनाना, कुएं का जीवोद्धार करना, ये काम सब अभी बहुत बाकी है, और मुझे ज़रूरत इसलिए जनता को चाहिए 5 साल में सब हम पूर्व कर सके। क्या उम्मीद किया जा सकता है जिस तरह बदलाव का लहर चल रहा है हर जगह देखा जाए, तो पुनः से इस बार आपको जनता मौका देगी, आपके काम से खुश है जनता? जी मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरा काम को देखते हुए आप वोटिंग कीजिए, मेरा मेहनत जो किए हैं 5 साल निष्पक्ष भाव से जो ईमानदारी के साथ अगर हम काम किए हैं तो मुझे मौका दिया जाए। क्या उम्मीद किया जा सकता है कि आप जनता को सेवा करने में पुनः इस बार सक्षम हो पाएंगे? जी मैंने पहली बार भी दिखाया हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इनका सेवा किया हूँ, वो मेरा जनता जानता है, सारे गांव पंचायत का आदमी हमारा जानता है कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा विचारधारा कैसा है, मेरा रहन सहन कैसा है, ये सब देखा हुआ है, 5 साल मैं इस सीट पर था। जी आज नॉमिनेशन का दिन है, काफ़ी खुशी का माहौल है, बहुत लोग देख रहे हैं कि आपके साथ हैं, तो आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से तिरहुता पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले उसको प्रणाम करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो मैं विगत 5 साल में काम किया हूं उसको देखते हुए फिर इस गरीब का, मैं गरीब का ही मुखिया माना जाता हूं, बहुत गरीब था पहले भी, अभी भी हूं मैं, कोई तरह का मुझे इतना विकास नहीं हुआ है, इसलिए फिर मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं उनका सेवा करता रहूँ 5 साल और जो छोटा काम है उसको भी पूरा कर सकूं, जो मेरे दिमाग में जहन में है कि फलना फलना काम मुझे करना है, इस पर मैं डिग्न हूं, इसलिए मैं फिर नॉमिनेशन कर रहा हूं और आशा भी करता हूं कि जनता मुझे इसका देगा। कितना परसेंट उम्मीद किया जाए कि आप तिरहुता पंचायत से मुखिया बन रहे हैं? मैं तो अभी 100% करना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे साथ बात कर रहे थे लक्ष्मण दास जी जो तिरहुता पंचायत से मुखिया पद के लिए दूसरी बार नॉमिनेशन करा चुके हैं, हालांकि इससे पहले भी वर्तमान में अभी मुखिया हैं, जीते हुए मुखिया हैं तिरहुता पंचायत से, और इस बार आज नॉमिनेशन बाबूबढ़ी प्रखंड में ये करा के अभी बैठे हुए हैं जनता के साथ। आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़ का खास सो पंचायत चुनाव यात्रा। धन्यवाद।